गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैरिचा हमारी करंट की ये क्लास है। आज 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, ये करंट की सीरीज़ बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आप डेली से जुड़े रहा करिए, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर 80% क्वेश्चंस आपको करंट के मिलते हैं, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है कि करंट से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया गया था। सबसे पहले तो दोस्तों, ये भी जो डेट से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो हर मंथ का अगर आपको कोई भी डेट से रिलेटेड पॉइंट पता चले तो उसे एक जगह नोट किया करिए, ताकि आपको उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। जैसे कि इससे पहले हमने 4 जनवरी का आपको बताया था, इस साल का जो सबसे पहला डे वाला सेलिब्रेट किया गया था, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से आपको हर आगे का पढ़ने से पहले उसके साथ साथ ही पीछे का भी रिवाइज करते जाना है। तो 4 जनवरी को दोस्तों ब्रेल दिवस मनाया गया था, 6 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है। या क्यों मनाया जाता है महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस, बाल गंगाधर शास्त्री जांभेकर की जयंती दिवस पर इसे हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी डे किस लिए सेलिब्रेट होता है। तो महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस बाल गंगाधर शास्त्री जांभेकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, बाल गंगाधर शास्त्री जांभेकर को द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इसलिए ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब बात हो रही है यहाँ महाराष्ट्र के पत्रकार की। एक होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो यह 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेज़बानी भुवनेश्वर करेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर 100 यूनिवर्सिटी के लगभग 400 प्लेयर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण में। तो इसलिए ये भी गेम्स से भी रिलेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया है। इसका आयोजन हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया, आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखना होगा। राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था और यह इसका आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राजीव राय भटनागर को राज्य के किस राज्य के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में राजीव राय भटनागर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनका सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया जा चुका है। एक तो पहले तो यही हो गए राजीव राय भटनागर जी, दूसरे के शर्मा और तीसरे फारूक खान हैं। तो आपको ये तीनों ही नाम याद रखना होगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में इन तीनों लोगों को अपॉइंट किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाल ही में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता। दोस्तों, हाल ही में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब पी मंगेरा चंद्रन ने जीता है। हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस, यह 95 संस्करण है इसका, हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का। इसका आयोजन की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ, तो इसका खिताब किसने जीता है, पी मंगेरा चंद्रन ने इसका खिताब जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी नामित किया है। दोस्तों, अभी ईरान देश ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी नामित कर दिया है।
अब बात हो रही है ईरान की, तो ईरान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि ईरान की राजधानी की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो ईरान की राजधानी तेहरान होती है। ईरान की मुद्रा या करेंसी जिसे कहते हैं आप, उसकी बात की जाए तो ईरान की करेंसी रियाल होती है। ईरान के प्रेसिडेंट प्रेजेंट में हसन रूहानी हैं। तो ये तो ईरान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की मेज़बानी कौन करेगा। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आपके इन्वायरमेंट की दृष्टि से। दोस्तों हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की मेज़बानी कोच्चि करेगा। यह 7 से 10 जनवरी तक इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। इसमें विभिन्न देशों के विभिन्न वैज्ञानिक जो हैं वह पार्टिसिपेट करेंगे। इसका आयोजन मरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का आयोजन यह कोची में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में इसका इस संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है मिशन इंद्रधनुष 2.0 का, तो इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करना है। तो उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में इसका संस्करण शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में NSE नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में NSE नॉलेज हब का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अब सबसे पहले तो जान लीजिए NSE होता क्या है। दोस्तों NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत ने रूस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत होगा कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफल्स के 7.5 लाख असॉल्ट राइफल्स को निर्मित किया जाएगा। किसके द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा, तो इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जाएगा AK-203 असॉल्ट राइफल्स को उत्तर प्रदेश के कोरबा में। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपी स्टेट के किसी एग्जाम में बैठने वाले होंगे तभी। अब बात हो रही है दोस्तों रूस की, ये समझौता भारत ने रूस के साथ किया है। तो कुछ चीज़ें रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के बारे में जानने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो अब ये MOU होता क्या है, इस पर हस्ताक्षर हो का मतलब क्या होता है, तो पहले आपको ये जानना होगा फ्रेंड्स। MOU एक MOU शब्द होता है और इसी के साथ साथ एक MOA शब्द भी आता है। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए फ्रेंड्स। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये इस पर हस्ताक्षर, MOU पर हस्ताक्षर का मतलब क्या हुआ कि जब कोई किसी देश के साथ किसी प्रोजेक्ट पर इनिशियल लेवल पर बातचीत होती है, मतलब फाइनल लेवल पर नहीं बात हो पाती, फाइनल लेवल पर डिसीजन नहीं हो पाता है, बातें जब इनिशियल लेवल पर होती हैं तब वहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर किया जाता है। अब दूसरी बात आती है MOA। तो MOA पर हस्ताक्षर कब किया जाता है फ्रेंड्स, MOA पर हस्ताक्षर तब किया जाता है जब बात फाइनल, किसी प्रोजेक्ट पर बात फाइनल लेवल पर पहुंच जाए, अर्थात किसी प्रोजेक्ट को फाइनल तरीके से उस पर मुहर लग जाए, फाइनली ये हो जाए कि हाँ ये प्रोजेक्ट होगा, तब MOA पर हस्ताक्षर होता है। MOA का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो ये तो डिफरेंस हुआ MOU और MOA पर। अब आपको समझ आ गया होगा कि MOU पर हस्ताक्षर क्या हुआ। तो यहाँ पर इनिशियल लेवल पर बातचीत हुई थी तब इस पर हस्ताक्षर किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। अब बात हो रही है रूस की दोस्तों, तो रूस के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे कि रूस की राजधानी,
रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को होती है। रूस की करेंसी की बात की जाए तो रशियन रूबल रूस की करेंसी होती है। रूस के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, और वर्तमान में रूस के पीएम की बात की जाए अर्थात प्राइम मिनिस्टर दमित्री